छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव परिणाम में आशा अनुरूप नतीजे नहीं मिलने के बाद छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ने अपनी कार्यकारिणी भंग कर दी। पार्टी प्रमुख अजीत जोगी ने पार्टी की सभी कमेटी और प्रकोष्ठों को भंग कर दिया। जोगी की इस कार्रवाई पर चर्चा है कि नतीजे नहीं मिलने के कारण जोगी ने कार्यकारिणी भंग कर दी है। फिलहाल नई कार्यकारिणी कब गठित की जाएगी इस पर फैसला नहीं हो पाया है। विधानसभा चुनाव परिणाम में अजीत जोगी की पार्टी को सिर्फ 5 सीटें मिली हैं, वहीं बीएसपी को 2 सीटें मिल पाई हैं। जोगी बीएसपी और सीपीआई के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव के पहले जोगी का दावा था कि वे किंग की भूमिका निभाएंगे और सरकार उनकी पार्टी की ही बनेगी, लेकिन परिणाम उल्टे आए। हालांकि अजीत जोगी और उनकी पत्नी चुनाव जीतने में कामयाब रहे, लेकिन उनकी बहू बीएसपी की टिकट पर अकल तरह से मैदान में थी, उन्हें हार का सामना करना पड़ा।